मुझे लगता है कि मेरा राबता भी अन्विता जी के साथ किसी ना किसी तरीके से है, क्योंकि बहुत देर से मैं इनसे मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी, पर नहीं हो पा रही थी। आज फाइनली इनको मैंने ले लिया जी अपने शो में। अन्विता जी जो एक डाइटिशियन है और बहुत जाना माना नाम है, सो आज हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज चल रहा है न्यूट्रिशन वीक। हाय हाय श्वेता, हाउ आर यू? गुड गुड, आप बताएं कैसी हैं आप? वेरी वेल डियर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एट योर शो। या थैंक यू। सो आप बताएं, ये जो न्यूट्रिशन वीक चल रहा है, किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए, किस तरह का खाना हमारे लिए सही है? वेल श्वेता, मैं ये कहना चाहूंगी कि द वेरी फर्स्ट रूल इज ऑलवेज टू रिस्पेक्ट योर बॉडी, जो शायद हम लोग भूल चुके हैं जी, राइट? हम लोग अगर कुछ अपनी फेवरेट चीज खाते हैं तो शायद हम अपना ब्रेकफास्ट नहीं करते या लंच नहीं करते, सोचते हैं डिनर में खा लेंगे, या खा लिया तो डिनर नहीं करते। सो वी शुड नॉट बी ट्रीटिंग इट लाइक दैट। अंडरस्टैंड इट इज अ लिविंग बॉडी एंड वट एवर वी ईट दैट शोज ऑन आर बॉडी, सो वी कांट जस्ट इग्नोर आर बॉडी बाय नॉट ईटिंग। हमें खाना खाना जरूरी है, प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मिड मील्स इंपॉर्टेंट है। अगर हम खाएंगे तो पतले होंगे और अच्छी सेहत रखेंगे। बिल्कुल, आजकल ये नोशन आ गया कि मत खाओ या आटा छोड़ दो, दूध छोड़ दो एंड यू विल बी एबल टू रिड्यूस वेट, ये एक रॉन्ग नोशन है। लोगों के बीच में ना ये बना हुआ है, डाइट करना मींस भूखे रहना, कुछ ना खाना। श्वेता, अगर आप एक नॉर्मल लेडी का रूटीन देखें तो वो जब सुबह उठती हैं, उनका मेन पर्पस होता है कि मैं पहले घर वालों का सब नाश्ता बना लूं, उनको उनकी उनकी कामों में भेज दूं, उसके बाद 12-1 बजे जब वो फ्री होती है तब उनको लगता है अच्छा अब मैं कुछ खाती हूँ, और शायद तब भी कुछ बचा नहीं हुआ तो वो अपने लिए स्पेशल कुक नहीं करती, फिर सोचती है चलो मैं एक बिस्किट खा लेती हूँ और चाय ले लेती, स्किप कर देती हैं। फिर जाके 2-3 बजे में भी लंच करेंगी, फिर शाम को जो बना हुआ है वो। पर ऐसा क्यों? एक लेडी की बॉडी अलग है, एज वाइज आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है, सो वी नीड टू ईट एज पर दैट, बट वी इग्नोर इट। नॉट ओनली लेडी, इवन मेल, दे आर सो बिजी इन देयर हाउ, इन देयर वर्क, इन देयर बिजनेसेस, दैट they will ignore their lunch hours. They're so, मतलब I would say 50% of my clients are such, जिनको मुझे time management सिखानी पड़ती है। लोग कहते हैं कि हमारे पास lunch करने का time नहीं है, and I tell them आपके office में I'm sure एक lunch hour होएगा जिसमें सब लोग lunch कर रहे होंगे, then why don't you do it? आपकी body को क्यों नहीं जरूरत? Everybody that when we are born, the only gift the God has given us is our body. Nothing else. Very true. And he has told that please take care of the body. But unfortunately, as we grow up, the materialistic things take more importance in our life. And our body goes way down towards the priority list. Right? So, आज हमें ये सिखाना है कि न्यूट्रिशन तो लेना ही लेना है, उससे कहीं आगे है कि खाना खाना है, उसके लिए वक्त निकालना है, अपने आप के लिए वक्त निकालना है, जो बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच अन्विता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एक पॉजिटिविटी मिली है मुझे आपसे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डियर, एंड मैं रूटीन में आपके साथ इन टच रहने वाली हूँ, आई एम श्योर। डेफिनेटली, यू आर मोस्ट वेलकम। या थैंक यू, आई लव योर शो। या थैंक यू, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।